Hello students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Class. Today we are going to start a new chapter, that is Fair Play, from the book Honeysuckle. तो बच्चों, ए पैक्ट विद द सन के हमने 6 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं एंड दिस इज द 7 चैप्टर फ्रॉम द बुक Honeysuckle, फेयर प्ले. तो फेयर प्ले, व्हाट यू मीन बाय फेयर? तो फेयर का मतलब क्या होता है बच्चों? एक होता है फेयर सही, फेयर, और प्ले गेम. तो क्या गेम जो है यहाँ पे, किसके बारे में बात कर रहे हैं? फेयर गेम के बारे में, जो सही है. तो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फ्रेंडशिप ऑफ, किसकी फ्रेंडशिप? जुम्मन शेख अलबू चौधरी की. अब इनकी फ्रेंडशिप है क्या, इनकी फ्रेंडशिप ब्रेक हुई थी या ऐसे ही रही थी, या क्या कारण थे? तो बच्चों, एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई आपके बेस्ट फ्रेंड है, अगर कोई गलती करते हैं तो क्या आप उसको सपोर्ट करेंगे या उसको उसकी गलती बताएंगे? तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करेंगे आप, या उसको एनकरेज करेंगे, नहीं भाई तो सही है, उसकी गलती को सपोर्ट करेंगे बिना ये सोचे, विदाउट थिंकिंग कि इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, रिजल्ट क्या होंगे? तो बच्चों, हमें सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आप लोग सोचें और बताएं. या उसे उसकी गलती बता देनी चाहिए कि ये उसने गलती करी है. क्लियर? तो आगे हम यही चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, फेयर प्ले. यहाँ पे फ्रेंडशिप की बात कर रहे हैं, किस किस की फ्रेंडशिप है, अलगू चौधरी की और जुम्मन शेख की. बहुत दे वर गुड फ्रेंड्स, बहुत अच्छे दोस्त थे. और कभी जो है कोई आउट ऑफ स्टेशन चला जाता था या गांव से बाहर चला जाता था, उसकी फैमिली को कौन लुक आफ्टर करता था? उसका दोस्त. तो एक दूसरे के जो है बहुत ज्यादा जो है वो क्या थे, क्लोज फ्रेंड्स से. तो क्या देखते हैं कि अगर कोई गलती करता था तो क्या वो एक दूसरे को सपोर्ट करते थे या उनकी गलतियों को पिन पॉइंट करते थे? क्लियर? तो यही हम जो है चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं. तो बिफोर यू रीड, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे ऑथर ने पूछे हैं. तो लेट्स सी व्हाट आर दीज पॉइंट्स. हैज योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वाज रॉन्ग? अगर आपका कोई फ्रेंड है और बेस्ट फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है, और उसने एवर डन समथिंग यू, अगर कोई गलत काम किया है, थॉट वाज रॉन्ग, और आप सोचते हैं क्या वो गलत था? व्हाट डिड यू डू देन? और आपने क्या किया अगर आपके बेस्ट फ्रेंड ने कोई गलती करी है कभी, तो आपने, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या वो सही था या गलत था? व्हाट डिड यू डू दैट? क्या किया आपने उसको? डिड यू कीप क्वाइट और डिड यू टेल योर फ्रेंड? क्या आप चुप रहे थे? कीप क्वाइट, क्या आप चुप रहे थे उसकी गलती को देख के, नजरअंदाज कर दिया था? और डिड यू टेल योर फ्रेंड, या आपने अपने फ्रेंड को व्हाट यू थॉट, कि आप जो सोचते थे कि उसने गलती करी है, या आपने उसको ये बताया था, या आप चुप हो गए थे? रीड दिस स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स. यहाँ पे जो है हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, दो फ्रेंड्स हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं, दे वर गुड फ्रेंड्स, हु टू डिसाइड व्हाट वाज मोर इम्पोर्टेंट. अब यहाँ पे दो फ्रेंड्स की स्टोरी है, क्या डिसाइड करते हैं व्हाट वाज मोर इम्पोर्टेंट? क्या इम्पोर्टेंट है? फ्रेंडशिप, दोस्ती एंड एनमिटी, मींस दुश्मनी. तो एनमिटी का मतलब क्या होता है? दुश्मनी, दोस्ती या दुश्मनी. तो दोनों क्लोज फ्रेंड थे, परंतु एक जगह जो है एक ऐसा सर्कमस्टेंस बन गया था कि वो डिसाइड, मतलब क्या क्या था ये तो अभी हम चैप्टर पे देखेंगे, कि दुश्मनी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी या दोस्ती को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, और इस सेंस ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. क्या हमने या ये देखा था कि क्या सही है और क्या गलत है, जस्टिस करा, न्याय करा कि क्या गलत है क्या सही है, या दुश्मनी को उन्होंने इम्पोर्टेंस दी या एनमिटी फ्रेंडशिप को इम्पोर्टेंस दी? तो ये बच्चों हम कहाँ देखेंगे, अभी चैप्टर हम पढ़ेंगे. तो यहाँ पे हियर वी आर, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हियर वी आर टॉकिंग अबाउट टू फ्रेंड्स. जुम्मन की बात करें, जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी, दे बोथ वर गुड फ्रेंड्स, बहुत अच्छे दोस्त थे. तो जैसे अभी मैंने बताया थे कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, कि आपको क्या लगता है, हमें फ्रेंडशिप को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए या दुश्मनी निकालनी चाहिए, या हमें उसको जो है सपोर्ट करके जो है फ्रेंडशिप को जो है मेंटेन करना चाहिए, कि ये मेरा गुड फ्रेंड है और उसको जो है उसकी
हाइट कर दी उसकी बुराइयों को या उसकी जो गलती है उसको हाइट करके उसको सपोर्ट करा, एनकरेज करा। तो क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है कि अगर आपका कोई दोस्त जो है गलती करता है तो क्या आप उसको सपोर्ट करेंगे? अभी हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, क्या आप सपोर्ट करेंगे उसको या उसकी गलती को उसको बताएंगे? तो ये आप लोग सोचें और उसका आंसर ढूंढें। पर भी हम चैप्टर, लेट्स बिगिन द चैप्टर। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। तो फियर प्ले के जो है तीन पार्ट है, वेरियस पार्ट है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो लेट्स बिगिन विद पार्ट वन। तो जैसे एज आई टोल्ड यू, जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी। तो यहाँ पे किन की बात हो रही है हमारी बच्चों? जुम्मन शेख। तो आप लोग ध्यान से देखें क्योंकि आगे क्वेश्चन आंसर्स आपको करने हैं। तो अलगू चौधरी एंड जुम्मन शेख, बोथ ऑफ देम वर गुड फ्रेंड्स। दोनों के दोनों कैसे थे? बहुत अच्छे दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड थे। जैसे बोलते हैं ना कि भाई मेरा बेस्ट फ्रेंड है, सारी बातें जो है एक दूसरे से शेयर करते हैं और एक दूसरे के पास जब कोई प्रॉब्लम आती है तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो ऐसे यहाँ पे जुम्मन शेख और अलगू चौधरी, दे वर गुड फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड। सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दैट वेन ईदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज द अदर लुक आफ्टर हिज फैमिली। अब यहाँ पे बताया कि अगर कोई फ्रेंडशिप होती है, बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स है, तो उनका जो बॉन्ड था, किस चीज का बॉन्ड था? फ्रेंडशिप का। इतना स्ट्रॉन्ग था कि जब एक में से ईदर ऑफ देम, कोई भी एक जो है गांव से बाहर जाता था, इधर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज, तो दूसरा क्या करता था बच्चों? द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली। सपोज जुम्मन शेख को कोई काम पड़ गया, ही वेंट आउट ऑफ द विलेज, तो अलगू चौधरी क्या करता था? वो उसकी फैमिली को क्या करता था? लुक्ड आफ्टर। अगर अलगू चौधरी जो है ही वेंट आउट ऑफ द या वेंट अवे फ्रॉम द विलेज, जुम्मन शेख लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली। तो दोनों का जो बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप था इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, दे वर गुड फ्रेंड, बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज। अब दो लोगों ने देखा कि भाई दोनों जो हैं, दे बोथ वर गुड फ्रेंड्स और एक दूसरे की कितना ध्यान रखते हैं, तो उन्होंने जो पूरा गांव था, दे रिस्पेक्टेड बोथ ऑफ देम इन द विलेज। जितने विलेजर्स थे सारे जो हैं उनको बहुत क्या करते थे? रिस्पेक्ट। क्यों करते थे? क्योंकि उनकी फ्रेंडशिप इतनी क्लोज थी और कोई भी एक जो है ईदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज, तो दूसरा क्या करता था? लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली, और दैट इज व्हाई द होल विलेज रिस्पेक्टेड देम। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट। अब जो जुम्मन थे, जुम्मन शेख, उनकी जो कौन थी? एक ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। अब जुम्मन शेख की जो एक आंट थी उसके पास क्या थी बच्चों? कुछ प्रॉपर्टी। तो ये ध्यान रखिए कि किसकी आंटी की बात कर रहे हैं, आंट की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे किसकी कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट जुम्मन्स आंट, जुम्मन की आंट की बात कर रहे हैं, जिसके पास क्या थी बच्चों? हु हैड सम प्रॉपर्टी, कुछ उसकी प्रॉपर्टी थी। दिस शी ट्रांसफर टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विथ हिम एंड ही वुड लुक्ड आफ्टर हर। अब होता है ना बच्चों की कोई ओल्ड है इंसान, आगे पीछे उसका कोई नहीं है, उसके पास प्रॉपर्टी है, तो उसने समझदारी का काम करके क्या करा? जो अपनी प्रॉपर्टी थी किसके नाम कर दी? जुम्मन के। अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम, और उसने क्या, क्योंकि उसने क्या सोचा कि मैं जो हूँ इसके साथ रह रही हूँ, किसके साथ? जुम्मन के साथ। दैट इज व्हाई शी ट्रांसफर हर प्रॉपर्टी टू जुम्मन, जुम्मन के नाम कर दी, और उसने कहा ये मेरी जो है देखभाल करता है, भाई मुझे खाना देता है, मैं इसके साथ रह रही हूँ, तो ऑब्वियस है कि बाद में भी जो है ये क्या करेगा? मेरी देखभाल करेगा। दैट शी ट्रांसफर हर प्रॉपर्टी टू जुम्मन, ये एक समझदारी का काम किया उसने। दिस शी ट्रांसफर टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विथ हिम एंड ही वुड, कि वो उसकी क्या करेगा? लुक आफ्टर, देखभाल करेगा। तो क्या बच्चों उसने सही करा? तो आगे देखते हैं कि उसका डिसीजन क्या सही था या गलत था। द अरेंजमेंट वर्क वेल फॉर ए कपल ऑफ इयर्स। अब यहाँ पे कपल ऑफ इयर्स का मतलब क्या होता है? टू, कपल मीन्स टू। दो साल तक जो है सारा अरेंजमेंट जो है ठीक ठाक चलता रहा, वो टाइम से खाना देते रहे, उनकी बहुत अच्छी तरीके से जो है देखभाल करने लगे। कौन? जुम्मन एंड हिज फैमिली। जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ।
अब जो है जुम्मन भी जो है अपनी वाइफ की तरह जो है क्या हो गया, इंडिफरेंट, बदल गया। इनडिफरेंट, व्हाट यू मीन बाय इनडिफरेंट, बिकेम इनडिफरेंट, लॉस्ट इंटरेस्ट इन और डिड नॉट केयर फॉर। अब जो है उसने देखा कि अब 2 साल बीत गए, 2 साल तक खूब उसकी जो है क्या करी, केयर करी उन्होंने, खाना भी टाइम से दिया, सब कुछ करा, बट धीरे धीरे जो है उनको उनमें क्या आ गया, एक चेंज आ गया। क्या चेंज आया? देन द सिचुएशन चेंज्ड, जुम्मन एंड हिज फैमिली वर ट्राइड ऑफ ओल्ड रिलेटिव। अब जो है वो थक गए थे, उनकी जो है क्या चेंज आया कि उन्होंने कहा कि अब भाई रोज रोज इसको जो है अपने रिलेटिव, रिलेटिव कौन है यहाँ पे, रिश्तेदार उनका आंटे उनकी, तो वो जो है बहुत ज्यादा टायर्ड हो गए थे उनकी जो है सेवा करते करते। तो जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट। अब उनकी वाइफ जो थी वो तो लाइक पहले ही नहीं करती थी, बट अब जो है किसमें चेंज आ गया, जुम्मन में भी बिकेम एज डिफरेंट, कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे वो अपने आंट पे टू हर एज हिज वाइफ हु ग्रेजेट किसको बोलते हैं बच्चों, गेम अनविलिंगली, हमें जो चीजें पसंद नहीं आती, फिल टैंगरी ग्रेजेस बोलते हैं उसको। जुम्मन वो भी जो है उसमें चेंज आ गया और वो थोड़ा सा जो है अपने आंट को जो है केयर नहीं करना करने लगा था और देखभाल नहीं कर रहा था, और अपनी वाइफ की तरह से जो है वो भी यही फील कर रहा था। इवन द लिटिल फूड, और जो वो खाना दे रहे थे उसको, दैट द ओल्ड लेडी वॉन्टेड एवरी डे शी स्वेलोड दीज इंसल्ट। अब स्वेलोड मने यहाँ पे क्या है, स्वेलोड मने मीन्स क्या होता है बच्चों, निगलना होता है, बट यहाँ पे क्या है कि वो जो इंसल्ट हो रही थी उसके, कि टाइम से खाना नहीं दे रहे थे और जो है बैड बिहेव कर रहे थे उसके साथ, तो वो क्या कर रही थी, टॉलरेट कर रही थी इवन द क्लियर। तो जो खाना था थोड़ा सा जो खाना खाती थी ओल्ड लेडी, तो वो भी जो है उनको देना जो होता है ना, कि अब उन्हें लगा होगा कि मे बी कि प्रॉपर्टी तो जो है उसने अपनी शी ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू जुमन। अब जो है उन्होंने 2 साल तक तो उसका खूब केयर किया बच्चों, बट सडनली जो है उनमें क्या आने लगा, चेंज आने लगा उनके वाइफ की तरह, और क्या फील कर रहे थे, और जो दो जो थोड़ा सा खाना खा रही थी उसको भी जो है उनको देना जो है एक तरह से हर बात में जो है एंग्री हो रही थी उनकी वाइफ और जुम्मन। द ओल्ड लेडी वॉन्टेड एवरी डे शी स्वेलोड दिस इंसल्ट्स। अब स्वेलोड का मतलब क्या होता है, टॉलरेटेड देम, जो उनकी इंसल्ट हो रही थी या टाइम से खाना नहीं दे रहे थे उसको वो क्या करी थी, टॉलरेट करी थी विद हर फूड फॉर ए फ्यू मंथ्स। अब कुछ महीनों से उसने देखा कि चेंजेस आ रहे हैं उसके जो जुम्मन और उसकी वाइफ पे, बट पेशेंस हैज इट्स लिमिट्स। अब क्या होता है बच्चों, अब रोज रोज अगर कोई इस तरह से मेरे साथ बैड बिहेव करेगा और मैंने अपनी प्रॉपर्टी सारी जो है किसके नाम कर दी, जुम्मन के नाम कर दी, तो पेशेंस, अब धैर्य कोई कब तक रहेगा, इसकी भी कोई एक लिमिट होती है, बट पेशेंस हैज इट्स लिमिट। वन डे शी स्पोक टू जुम्मन। अब एक दिन क्या हुआ कि उसने जुम्मन को बुलाया और क्या बोला, शी स्पोक माई सन इट इज नाउ ऑब्वियस, कि अब क्लियरली जो है ये क्लियर हो गया होगा, क्लीन है कि मतलब बिल्कुल क्लियर है, दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस, काइंडली गिव मी ए मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन। तो उसने कहा भाई अब जो है ये क्लियर सबको दिख रहा है कि ये क्लियर है कि मेरे को जो है अब क्या चाहिए, वॉन्टेड इन योर हाउस, आई एम नॉट, क्योंकि तुम जो जिस तरह से मेरे साथ बिहेव कर रहे हो, मिसबिहेव कर रहे हो, खाना टाइम से नहीं दे रहे हो, या मे भी जो है थोड़ा सा खाना दे रहे हो, तो कई महीने से जो है मैं इसको क्या कर रही हूँ, ऑब्जर्व कर रही हूँ। तो व्हाट शी डिड, शी वन डे शी स्पोक टू जुम्मन कि भाई आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस, और तुम जो है मुझे थोड़ा सा अलाउंस दे दो, कुछ पैसे दे दो, मंथली अलाउंस, सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन, जिससे मैं एक जो है अलग से किचन बना लेती हूँ। माय वाइफ, अब जो मैंने क्या बोला, व्हाट ही रिप्लाइड, माय वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस। अब उसने अपनी फेवर लिया, किसका, अपनी वाइफ का लिया, और उसने कहा कि शी नोज, माय वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, कि मेरी वाइफ को अच्छी तरीके से आता है घर को किस तरह से चलाना है। बी पेशेंट,
अब उन्होंने कहा थोड़ा सा जो है धैर्य रखो, सेड जुम्मन शेमलेसली। अब थोड़ी सी उसको लग रहा होगा कि भाई आंट ने क्या करा, शी ट्रांसफर्ड ऑल हर प्रॉपर्टी टू मी, और हम जो है इसके साथ किस तरह से जो है ग्रजेस निकाल रहे हैं। तो उसने कहा कि थोड़ा सा जो है कि मेरी वाइफ जो है शी नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, और उसको थोड़ा सा जो है सेट जुम्मन शेमलेसली। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री। अब उसके आंट को जो है बहुत गुस्सा आया। ऑब्वियस है कि जब मैं हम जो है अपना प्रॉपर्टी पूरी जो है तुमको दे रहे हैं और तुम जो है हमारी जो है देखभाल नहीं कर रहे हो या खाना टाइम से नहीं दे रहे हो, तो दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। अब विलेज पंचायत क्या होते हैं बच्चों? विलेज कोर्ट, एक तरह से यू कैन से इट इज अ विलेज कोर्ट, गांव की कोर्ट होती है, पंचायत, पंच होते हैं वहां पे, जो डिसीजन लेते हैं वही सबको मानना पड़ता है। वो भी जो है वहां पे ऐसे नहीं आते हैं कि ये पंच हैं करके पांच लोग, तो वहां पे भी वोटिंग होती है और तब जो है क्या बनती है पंचायत। तो एक तरह से क्या है बच्चों, वो विलेज कोर्ट। तो उसने क्या, व्हाट शी डिसाइडेड, तो जुमन्स आंट डिसाइडेड टू गो टू द विलेज पंचायत। तो यहां हमने बच्चों क्या पढ़ा है कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी जो है क्या थे बच्चों, दे वर गुड फ्रेंड्स, और उनका बॉन्ड जो था फ्रेंडशिप का बहुत ज्यादा बहुत अच्छा था, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था। और क्या होता था कभी जो है व्हेन ईदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द हाउस, तो एक क्या करता था लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली एंड बोथ ऑफ देम वर रिस्पेक्टेड इन द विलेज। जुम्मन की कौन थी बच्चों, एक ओल्ड आंट थी और जिसके पास क्या थी, हु हैड सम प्रॉपर्टी। एक दिन उसने क्या करा, अपनी जितनी प्रॉपर्टी थी शी ट्रांसफर टू जुम्मन, और किस होप में करी कि ये मेरे जो है क्या करेगा, लुक आफ्टर करेगा। अब थोड़े जो है दो साल तक जो है क्या है बच्चों, द अरेंजमेंट वर्क वेल फॉर ए कपल ऑफ डेज, बट जो सिचुएशन थी चेंज, जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ ओल्ड रिलेटिव। अब उन्हें जो है लगने लगा कि भाई ये जो है हम रोज इसको खाना दे रहे हैं, इसकी देखभाल क्यों करें, हम फेडअप हो गए थे। और ये बात जो है कौन, जुम्मन्स आंट जो है वो देख रही थी। और एक दिन जो है उसका जो, क्योंकि पेशेंस की क्या होती है बच्चों, एक लिमिट होती है, कब तक वो देखती रही कि भाई जो खाना देना था वो भी ढंग से नहीं दे रहे थे, गुस्सा करके दे रहे थे, एक एंग्री होके जो है खाना दे रहे थे, तो क्या बच्चों खाना। तो एक दिन उसने क्या करा, शी स्वेलोड दीज इंसल्ट, और ये सारी चीजें जो है वो टॉलरेट कर रही थी अपनी इंसल्ट, और जबकि उसकी प्रॉपर्टी थी फिर भी जो है वो टॉलरेट कर रही थी। बट पेशेंस हैज इट्स लिमिट। वन डे शी स्पोक टू जुम्मन कि भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि, और ये क्लियरली जो है सबको दिख रहा है कि आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस, कि मेरी जरूरत तुम्हारे घर में नहीं है, और क्या करो तुम प्लीज Kindly give me a monthly allowance, कि मुझे महीने में कुछ पैसे दे दो जिससे कि मैं क्या करूं, so that I can set up a separate kitchen। तो जुम्मन को जो है ये बात सही नहीं लगी और थोड़ा सा shamelessly उसने what she said, my wife knows best how to run the house। अब ये बात सुन के this made his aunt very angry and she decided to take her case to the village panchayat। तो बच्चों आप कहाँ गई है जाने का डिसाइड करा, व्हाट शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। फॉर मेनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स, कई दिनों तक। अब क्या होता है बच्चों, हमें अपना फेवर लेने के लिए किससे बातें करेंगे, हम गांव वालों से करेंगे। अब फॉर मेनी डेज, अब जुम्मन की जो आंट थी उसे बहुत फेस था कि अब मेरी, क्योंकि अगर फेथ नहीं होता, ट्रस्ट नहीं होता, तो जुम्मन के नाम प्रॉपर्टी नहीं करती अपनी। तो फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी, काफी दिनों तक जो ओल्ड लेडी थी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स, गांव वालों से क्या करती दिखाई दी, वो बातें करती दिखाई दी, एक्सप्लेनिंग केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट। और क्यों बातें कर रही थी बच्चों, क्योंकि उसे क्या चाहिए थे, गांव वालों का क्या चाहिए था, सपोर्ट चाहिए था कि वो उसको फेवर करे। और वो पूरा केस जो है डिटेल में किसको बता रही थी, विलेजर्स को, सीकिंग माने कि वो फेवर लें उसका, देयर या हेल्प करें, देयर सपोर्ट। सम सिंपैथाइज्ड विद हर, अदर्स लाफ्ड,
अब कुछ लोग जो थे उनके साथ सिंपैथी दिखाई कि भाई नहीं भाई, इसने तो जो है प्रॉपर्टी अपनी जो है जुम्मन के नाम कर दी है, क्लियर। एंड विद हर अदर्स लाफ्ड एट हर, और कुछ लोग जो है उसका फन करने लगे, हंसने लगे। एंड फ्यू अदर्स एडवाइस हर टू मेक इट अप विद हर नेफ्यू, और कुछ लोगों ने क्या सजेशन दिया बच्चों, टू मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ। उन्होंने कहा भाई तुम जो है सलाह मशवरा करो, डिस्कस करो आपस में, किस किस के साथ, अपने भतीजे के साथ और उसकी वाइफ के साथ, लड़ाई झगड़ा मत करो और साथ साथ जो है बातचीत से इसको सुलझा लो। तो कई जैसे होता है ना बच्चों की, कई लोग होते हैं कई तरह तरह की बातें करते हैं, तो सब ने अपने अपने जो है पॉइंट ऑफ व्यू रखे, विचार रखे कि तुम ऐसा करो। कुछ कुछ ने जो है सिंपैथी दिखाई उसके प्रति कि भाई इतनी ओल्ड है, इसने अपनी प्रॉपर्टी दी है और उसने जो है सिंपैथी दिखाई। कुछ ने जो है, कुछ लोग जो है उसका फन करने लगे, उसकी बातें सुन के जो है मजाक बनाने लगे। कुछ लोगों ने क्या करा, एडवाइस हर टू मेक इट अप विद, मेक इट अप विद मीन्स सलाह मशवरा करके, सलाह कर लो अपने किसके साथ, अपने भतीजे के साथ और उसकी वाइफ के साथ। तो कई दिनों तक बच्चों क्या करा ओल्ड लेडी ने, शी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स। और क्यों करी थी, क्यों डिस्कस करी थी अपना केस, क्योंकि अपना केस व्हाट शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत, और अपना फेवर लेने के लिए, अपना सपोर्ट करने के लिए वो किससे बातें कर रही थी, अपना केस किसको बता रही थी, विलेजर्स को, गांव वालों को। क्योंकि जब पंचायत बैठेगी तो किससे पूछेगी, विलेजर्स से पूछेगी। तो जैसे अभी हमने डिस्कस करा कि कुछ लोगों ने सिंपैथी दिखाई, कुछ लोगों ने जो है उसका फन करा, हंसने लगे, कुछ लोगों ने एडवाइस दी, क्या एडवाइस दी, एडवाइस हर टू मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी। अब फाइनली जो है सबको पता था, पूरे गांव में फेमस थे जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी कि दे वर गुड फ्रेंड्स। अब उसने क्या डिसाइड करा कि चलो भाई क्या, अब क्या किसके पास जाते हैं, अलगू चौधरी। तो अलगू चौधरी कौन था बच्चों, जुम्मन शेख का कौन था, बेस्ट फ्रेंड। तो फाइनली होता क्या है बच्चों, अगर हम पहले जो है खूब डिसाइड करते हैं कि भाई ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, जब फाइनली जो है वो नहीं माना तो व्हाट शी डिसाइडेड टू गो टू अलगू चौधरी। एट लास्ट शी केम अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम, यू नो चाची। अब उन्होंने क्या बोला, सारी बातें जो है केस किसको बताया, अलगू चौधरी को। अलगू चौधरी कौन था बच्चों, बेस्ट फ्रेंड था किसका, जुम्मन शेख का। उन्होंने कहा क्या, व्हाट ही रिप्लाइड, यू नो चाची जुम्मन इज माय बेस्ट फ्रेंड। उसने कहा आप चाची, उसने किसको बोला, आंटी को बोला कि क्या बोला, चाची जुम्मन इज माय बेस्ट फ्रेंड, जुम्मन क्या है मेरा बेस्ट फ्रेंड है, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके खिलाफ कैसे जाऊं, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, कैसे जा सकता हूं उसके खिलाफ। तो बच्चों यही मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्या हमें फ्रेंडशिप में ये देखना चाहिए कि कौन सही है या कौन गलत है, या हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। तो जुम्मन ने कहा कि चाची जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। अलगू सेट, किससे बोला बच्चों, हु सेड टू हूम, अलगू सेड टू आंट, जुम्मन्स आंट, बट इज इट राइट माई सन टू कीप मम, मम मीन्स यहाँ पे साइलेंट, व्हाट आई मीन बाय मम, मम मीन्स साइलेंट, एंड नॉट से व्हाट यू कंसीडर जस्ट एंड फेयर। तो उसने बोला, उसे किसने बोला, आंट ने बोला किसे, अलगू चौधरी से, क्या ये सही है कि आप चुप रहेंगे, एंड नॉट से व्हाट यू कंसीडर जस्ट एंड फेयर, क्या सही है और क्या, मतलब क्या सही है, फेयर है, गुड है, सही है। प्लीडेड द ओल्ड, प्लीडेड मीन्स रिक्वेस्ट करी, हु रिक्वेस्टेड, ओल्ड लेडी, प्लीडेड द ओल्ड लेडी कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रुथ। अब उसने क्या बोला बच्चों, आंट ने बोला कि अब तुम सीधे कहां पे आओ, पंचायत में आओ और वहां पे सही बात बोलना, क्लियर। और क्यों बोला बच्चों,
क्योंकि वो उसने क्या बोला था, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, कि मैं अपने दोस्त के अगेंस्ट कैसे जा सकता हूँ। तो उसने बहुत उसे रिक्वेस्ट करी, रिक्वेस्टेड द ओल्ड लेडी, और सीधे उन्होंने कहा आंट ने, जुम्मन्स आंट, कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, कि तुम कहाँ पे आओ, पंचायत में आओ, और मैं जो हूँ वहाँ पे, और तुम जो है वहाँ पे स्पीक द ट्रूथ, सही बात बताना कि वॉट इज राइट एंड वॉट इज रॉन्ग। क्यों बोला उसने, बिकॉज उसने डिसाइड कर लिया था, शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द पंचायत। अलगू डिडंट रिप्लाई। अब अलगू चौधरी जो है बहुत बेस्ट फ्रेंड था जुम्मन का, तो ही डिडंट रिप्लाई, बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स, परंतु उसके जो शब्द थे, किसके शब्द, आंट के जो शब्द थे, जुम्मन की आंट के जो शब्द थे, उसकी कानों में जो है अभी भी गूंज रहे थे कि तुम जो है पंचायत में आके जो है सही बातें बताना, और ये बातें जो है वो उसने, he didn't reply, but her words kept ringing in his ears। तो बच्चों this is your first part, और हमने first part में क्या पढ़ा बच्चों, कि किस तरह से जुम्मन चौधरी और अलगू, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी, they were good friends, और किस तरह से हमने देखा कि दोनों एक दूसरे की किस तरह से हेल्प करते थे। जुम्मन शेख की एक आंट थी जिसकी जो है थोड़ी सी शी हैड सम प्रॉपर्टी एंड शी डिसाइडेड टू, और यू कैन से शी ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू जुम्मन, और कुछ दिन तक जो है वो उसको देखते रहे, अच्छी से जो है देखभाल करते रहे, खाना टाइम से देते रहे, बट सडनली जो है वो ग्रजेस जो है उनके जो है फेल करने लगे, कि टायर्ड ऑफ हो गए थे अपने रिलेटिव से, और ये चीजें कौन ऑब्जर्व करी थी, आंट। और उसने एक दिन जुम्मन से क्या बोला कि मुझे जो है मंथली अलाउंस दे दो, जिससे कि आई सेट, आई कैन सेट अ सेपरेट किचन। बट अलगू, क्या जुम्मन शेख एग्री हो गया था बच्चों, नो। देन व्हाट शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द पंचायत, और उसने किस तरह से गांव वालों से बातें करी थी, अपने केस के बारे में बताया था, और किस तरह से कुछ लोगों ने उसके साथ सिंपैथी दिखाई, कुछ लोगों ने उसके साथ जो है फन करा, लाफ हंसने लगे, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं भाई तुम जो है किससे बात करो, अपने नेफ्यू से और उसकी वाइफ से। एट लास्ट कहाँ गई बच्चों, शी केम टू अलगू चौधरी, और अलगू चौधरी कौन था, बेस्ट फ्रेंड था किसका, जुम्मन का। और उसने और किस तरह से क्या बोला चाची को, कि चाची जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम। तो चाची ने क्या बोला कि तुम क्या चुप रहोगे, बट इज इट राइट, क्या ये सही है कि माई सन टू कीप क्वाइट एंड नॉट से वॉट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर, कि तुम्हें क्या लगता है, कि तुम्हें अगर ये सही लगता है तो तुम क्या चुप रहोगे, मम मीन्स क्वाइट, प्लीडेड द ओल्ड लेडी, कम टू द पंचायत। उसने कहा सीधे तुम पंचायत में आओ और वहां पे सारी बात जो है सही सही बोलना, क्योंकि पंचायत के आगे कोई झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एक तरह की क्या है वो, कोर्ट ऑफ द पंचायत। अलगू डिडंट से एनी वर्ड, डिडंट से एनीथिंग, बट जुम्मन्स आंट्स वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज इयर्स, उसके कानों में जो है वही बातें गूंज रही थी। नाउ दिस इज द फर्स्ट पार्ट, now come to the second part, part 2। the panchayat was held the same evening, ab usi sham ko jo hai panchayat lag gayi। ab gaon mein jo hai bacche jo gaon mein rehte hain unhe pata hoga ki panchayat hote hain 5 log, panchayat, theek hai, 5 logo ki kya hoti hai bachcho, panchayat, court hoti hai ye gaon ki। was held the same evening, same evening means subah jis samay usne baat kari thi, same evening under an old banyan tree। अब गांव में बहुत बड़ा जो बैनियन ट्री होता है, बरगद का पेड़, उसके नीचे जो है चबूतरा सा होता है, वहां पे लोग बैठे रहते हैं। तो वहां पे जो है हैड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बैनियन ट्री, एक पुराना सा जो है वहां पे बैनियन ट्री था। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, अब जुम्मन जो था वहां पे खड़ा हो गया एंड सेड, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। अब उसने क्या बोला कि जो पंचों ने, मतलब वॉइस ऑफ द पंच मीन्स जो पंच बोलेंगे वही जो है इज द वॉइस ऑफ गॉड।
कि भगवान की क्या है, भगवान की भी वही आवाज है जो पंच बोलेंगे। तो इस समय क्या है, पंच क्या है हमारे लिए, भगवान है, गॉड। तो जो वो डिसाइड करेंगे वो मैं एक्सेप्ट करूंगा। द वॉइस ऑफ द पंच हु सेड, जुम्मन सेड, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ द गॉड, कि जो भी डिसीजन होगा मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, कि अब मेरी आंट जो हैं उनको नॉमिनेट करने दो, अपॉइंट करने दो हेड पंच। एक मुखिया को जो है क्या करने लो, कि उनको जो है डिसाइड करने दो, नॉमिनेट करने दो हेड पंच। आई विल अबाइड। अब व्हाट आई मीन बाय अबाइड, अबाइड का मतलब होता है एक्सेप्ट, कि मेरे को मंजूर रहेगा बाय हर डिसीजन। जो भी वो डिसीजन लेंगे, चाहे किसी को भी, पांचों में से जो पांच पंच हैं उसमें से किसी को भी हेड बनाएंगे, मुझे जो है क्या है ये एग्री हूं और एक्सेप्ट करूंगा। किसी को से जुम्मन से कि आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन, जो भी मेरी आंट डिसीजन लेगी, जिसको भी हेड पंच बनाएगी, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। तो अबाइड मीन्स एक्सेप्ट। द पंच नोज नीदर फ्रेंड नॉर एनिमी, क्योंकि पंच क्या होते हैं, ना तो वो दुश्मन होते हैं ना दोस्त होते हैं। क्योंकि कोर्ट में जज क्या डिसीजन देता है, कोई पक्ष नहीं लेता, फेवर किसी का नहीं लेगा, जो सही होगा, जो जस्टिस होगा वही वो करता है। द पंच नोज नीदर फ्रेंड और एनिमी, व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस। अब जो ओल्ड लेडी थी, ओल्ड लेडी कौन थी बच्चों, जुम्मन्स आंट। अब उन्होंने क्या कहा कि भाई पंचों के लिए क्या होता है, ना तो कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है, ना कोई फ्रेंड है ना कोई एनिमी, एनिमी मींस दुश्मन। तो उन्होंने कहा भाई अलगू चौधरी, व्हाट डू यू से, आप क्या कहते हैं अलगू चौधरी। द ओल्ड लेडी अनाउंस, फाइन रिप्लाइड जुम्मन, हाइडिंग इज जॉय। अब जुम्मन जो है खुश हो रहा था बच्चों, क्यों खुश हो रहा था, और अपनी खुशी को क्या कर रहा था, हाइड करने की कोशिश कर रहा था, छुपाने की कोशिश कर रहा, क्यों कर रहा था, उसे लगा अरे भाई जो है अलगू चौधरी जो है क्या बन जाएगा हेड पंच, तो मे भी ये मेरा फेवर लेगा, तो वो जो है क्या कर रहा था, हाइडिंग, खुशी को जो है छुपाने की कोशिश कर रहा था। रिप्लाइड जुम्मन, तो जुम्मन ने कहा ठीक है आई एग्री फाइन, रिप्लाइड जुम्मन हाइडिंग हिज जॉय ओवर हिज अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लव। मतलब इतना जो खुश हो रहा था, परंतु उसे ये नहीं पता था अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लव कि आगे क्या होने वाला है अनएक्सपेक्टेड। चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप। अब उसने क्या बोला कि चाची तुम्हें पता है तुम में अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप, कि आप तो जानती है हमारी फ्रेंडशिप है विद जुम्मन। Said Algu. अब Algu चौधरी ने कहा भाई तुम्हें पता है कि मेरी और जो है we were good friends, हम जो है दोनों के दोनों क्या है good friend थे या हैं, we are good friends, और आप ये जो है अच्छी तरीके से जो है आपको पता है कि we friends हैं with Jumman। किसने बोला, Algu ने किसे बोला, aunt से बोला। I know that, replied the aunt। उसने कहा ठीक है मुझे पता है, I know you both are good friends, but I also know that you will not kill your concerns for the sake of friendship। क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया था कि जो पंच हैं उनके लिए ना क्या होते हैं, पंच नोस नीदर फ्रेंड और एनिमी, ना दोस्त होते हैं उनके लिए ना दुश्मन होते हैं, क्लियर। तो उन्होंने कहा भाई अगर अपनी फ्रेंडशिप को बचाने के लिए तुम ऐसा तो नहीं करोगे कि उसका फेवर लोगे। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच। अब जैसे पहले जो है किसने बोला था ये कि द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ द गॉड, तो उसने कहा कि भगवान जो है कहाँ रहते हैं, इन द हार्ट ऑफ द पंच, कि अगर वही जो है गलत डिसीजन लेंगे तो किस पे फेथ करेंगे। एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड, और जो पंच, क्योंकि उनके हार्ट में कौन रहते हैं, भगवान रहते हैं, और उनकी आवाज में भी कौन है, भगवान है, कि जो वो डिसीजन लेंगे, और भगवान गलत डिसीजन नहीं लेंगे। तो उसने अपने पक्ष को जो है स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने जो है सबको कॉन्फिडेंस में लिया, और उन्होंने कहा कि गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ द गॉड।
और ये नहीं फर्क पड़ता कि अलगू चौधरी और जुम्मन शेख जो हैं दे आर गुड फ्रेंड, कि ये दोस्त हैं या बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जिस समय अगर पंच हैं तो उनके लिए कोई दुश्मन नहीं है, कोई फ्रेंड्स नहीं है, क्योंकि उनकी वॉइस किसकी वॉइस है? गॉड की वॉइस है, वॉइस ऑफ द गॉड। तो मुझे पूरा विश्वास है, आंट ने बोला भाई मुझे पूरा विश्वास है कि अपनी फ्रेंडशिप को बचाने के लिए वो गलत डिसीजन नहीं लेंगे, इनजस्टिस नहीं करेंगे। क्लियर? तो बच्चों फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट हमने आज कंप्लीट कर लिया है, सेकंड पार्ट को हम टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। तो सारे बच्चे रीडिंग जरूर करें और घर में जाके रिवाइज करें, अगर फिर भी आपके कहीं समझ में नहीं आया है तो आप कल हमसे पूछ सकते हैं। तो टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस।